केंद्र सरकार बाल श्रम से बच्चों को निजात देने के वास्ते एक नया कानून लाने जा रही है। सरकार की ओर से उठाए गए कुछ सकारात्मक कदमों को कई सामाजिक संगठनों ने साहसिक पहल कहा है। एक भी बच्चा देश में पैसा फैक्ट्री में काम न करे, पैसा हम लोग आगे आने वाले पार्लियामेंट सेशन में आप एक बिल के रूप में लाने के लिए हम आगे आए। टोटल प्रोविजन, टोटल बैन ऑन चाइल्ड लेबर। वहीं शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि देश में 41% आबादी 18 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश में उनके लिए कुल बजट का महज 4% ही खर्च किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कैलाश सत्यार्थी ने जोर दिया कि आने वाली पीढ़ी बाल श्रम से मुक्त पीढ़ी होनी चाहिए। आखिरी पीढ़ी होना चाहिए जो बाल मजदूरी से ग्रसित पीढ़ी हो, जो आखिरी पीढ़ी होना चाहिए जहां बाल विवाह होते हो, जहां बच्चों से वेश्यावृत्ति कराई जाती हो, जहां लड़कियों की आवाजें घुट घुट कर अंदर मर रही हो, जहां पर लड़कियां जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदी और बेची जा रही हो, ये भगवान के लिए आखिरी पीढ़ी होना चाहिए। इसके बाद जो पीढ़ी आए वो गर्व से कह सके कि हम ऐसे भारत में रहते हैं जहां हर बेटी हमारी सुरक्षित है, हर बेटा हमारा सुरक्षित है, शिक्षित है, संस्कारित है और राष्ट्र निर्माण में बराबर की हिस्सेदारी निभा रहा है। वर्तमान सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर साहसिक कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।